हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैलरी का, इसके पहले भी सब सॉल्व करा जाएगा, फॉरवर्ड भी है। तो अभी सैलरी में क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमको सैलरी के रिलेटेड दिया रहेगा, अदर सोर्स दिया रहेगा, डिडक्शन दिया रहेगा, ये तुम्हारा आंसर रहेगा ए ए बी सी डी ई। तो ये में सैलरी का सॉल्व करने का, बी में क्या लेने का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेने का, सी में टोटल इनकम ऐड कर देने का, फिर उसके बाद डिडक्शन ले लेने का। क्या लेने का? डिडक्शन। ओके, तो अभी अपना इधर बंटी को इधर जेरी। ओके, तो जेरी एक बंदा है, वो फिजिकली डिसेबल है, मतलब हैंडीकैप है, 50% बोला है, और इधर उसका कुछ सैलरी के रिलेटेड दिया है। तो इसको रीड करके अपन क्या करेंगे, इधर उठा के डाल देते हैं। ठीक है, तो भी एकदम अच्छे से कोशिश करते हैं। तो आ जाओ, तो सबसे पहले जेरी की सैलरी कितनी है, 7.5 लाख। तो जेरी अच्छा खासा काम आ रहा है। ओके, उसकी बेसिक सैलरी है 7.5 लाख, 7.5 लाख पेटी। तो 7.5 लाख इनकम और सैलरी के हेड में आ जाएगा। फिर उसको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है सैलरी के साथ, अलग से इसको सैलरी के साथ इनकम अलग से ऐड करके दिया जा रहा है। ओके, डीएनएस अलाउंस, एग्जाम में स्पेलिंग अच्छे से लिख देना। तो कितना मिला अलाउंस उसको, 2.5 लाख। फिर 2.5 लाख उठा के यहाँ डाल देंगे। ओके, ये मिला उसको डीएनएस अलाउंस। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला उसको। क्या मिला? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिला, 26,000। तो फिर मतलब कंपनी उसको गाड़ी भाड़ा, ड्राइविंग अलाउंस सब अमाउंट क्या करेगी कंपनी, उसको पता करके देंगे। तो कितना दिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 26,000। इधर लिख दिया हम लोग ने 26,000। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी ने इसको क्या दिया मानी में, रिइंबर्समेंट दिया। राइट, तो रिइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड ना बच्चे। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो मिला, रिइंबर्समेंट का मतलब होता है पहले एम्प्लॉय खर्चा करेगा, उसका बिल कंपनी में जमा करेगा, फिर कंपनी बिल का पैसा रिटर्न करेगा। तो मेडिकल एक्सपेंस है, ये कौन सा एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है ये बंदा, किधर है, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, प्राइवेट। अगर पब्लिक रहेगा ना तो ये एग्जम्प्ट रहेगा, उसको हिसाब में नहीं आएगा। तो उसको रिइंबर्समेंट मिला 18,000। तो जो भी रिइंबर्समेंट मिला है वो टैक्सेबल में होगा, टैक्सेबल बोले तो आप लोगों को हिसाब में शो करना पड़ेगा। इधर आप लोग अच्छी राइटिंग पर लिख देना, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंस का रिइंबर्समेंट हुआ उसको, कितना मिला 18,000, वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल बोले तो अमाउंट आएगा। उसके बाद क्या बोला, एडवांस सैलरी, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी उसने एडवांस में लिया है। तो एडवांस सैलरी 1 लाख से ज्यादा रहेगा तो नहीं लिखने का, हटा देने का। अभी एडवांस सैलरी मिला तो ये भी इसमें आएगा सैलरी के हेड में आएगा। कितना मिला एडवांस सैलरी, 50,000। इधर लिख देंगे 50,000। ओके, अब उसके बाद क्या दिया तुमको, इधर चुपके से दिया प्रोफेशनल टैक्स पेड। तो जो भी प्रोफेशनल टैक्स पेड होता है वो डिडक्शन में आता है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि जो सैलरी का सम सॉल्व करेंगे तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 डालने का, सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन है। राइट, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोले तो फिक्स डिडक्शन है, 50,000 तो तुमको लेस करना ही है। और प्रोफेशनल टैक्स भी दिया है, कितना दिया प्रोफेशनल टैक्स, 2,500, वो भी डिडक्शन में आएगा। ओके, वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो टोटल 52,500 ग्रॉस सैलरी से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर बोला अलाउंस, मतलब मिला उसको बेनिफिट मिला फॉर फ्रॉम एग्जाम वर्क, मतलब जो भी स्कूल में एग्जाम वर्क होता है उसका उसका क्वालिटी उसको अलाउंस दे रहे, बेनिफिट दे रहे, वो भी टैक्सेबल है, वो भी सैलरी के हेड में आएगा, अलाउंस फ्रॉम एग्जाम वर्क। तुम लोग जो भी सेंटेंस है कॉपी कर देने का। तो कितना मिला उसको, 12,000 मिला। कितना मिला उसको, 12,000 मिला। ठीक है, और कुछ कटिंग करके बोला है कैसे, एग्जाम एग्जाम कुछ बोला नहीं बोला। तो ये सब है ना, ये सब तुम्हारा सैलरी का पार्ट है, इसको ऐड करेंगे तुमको ग्रॉस सैलरी मिलने वाला है। और ये डिडक्शन फिक्स है, तुमको लिखना ही है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लिखना है, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 लिखना है। अब इसको मैं ऐड कर लूंगा ना तो अपने को ऐड करके मान लो इतना आ जाएगा 9,55,000। सपोज कितना है, 9,55,000, ये तुम्हारा हो गया ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी। फिर इसमें से ये कटेगा, ये 50,000 है। राइट, तो 50,000 क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रोफेशनल 2,500, तो इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो 9,02,500 ये आया तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब ये पैसा उसको दरवाजे से आया है। तो कुछ पैसा दरवाजे से आ रहा है तो कुछ पैसा खिड़की से भी आ रहा है उसको। ठीक है, तो कैसे दिया इधर, अदर इन्फॉर्मेशन करके दिया है। तो ये दिखा 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो सेंटेंस दिखा ना इसमें सब अमाउंट रिसीव हो रहा है, रिसीव मतलब पैसा आ रहा है। तो पैसा आ रहा है तो अदर सोर्स में आएगा, और जो भी पैसा उसने पेड किया है, कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्ट किया है, वो डिडक्शन में आएगा, ऐसे याद करना है। तो पूरे के नाम यहाँ आए हैं। अब इसमें देखना है कि किस पे टैक्स लगेगा, किस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला क्या है उसको, एग्जाम रेगुलेशन, मतलब कोई भी टीचर सुपरवाइजर बनके कोई भी कॉलेज में रहता है, बच्चों लोग का एग्जाम होता है तो उसको उसका पैसा मिल रहा है, तो यूनिवर्सिटी का पैसा मिलता है 10,000, तो वो टैक्सेबल है, मतलब उसको हिसाब में लाना है, उसको जोड़ना है, इट इज टैक्सेबल अमाउंट। फिर गिफ्ट फ्रॉम फादर, तो पहले पूरा नाम कॉपी कर लो, ओके, पूरा सेंटेंस कॉपी कर लो। तो क्या मिला, गिफ्ट मिला। राइट, किससे मिला, दादाजी से मिला। राइट, दादाजी से क्या मिला, गिफ्ट मिला ना। तो कितना गिफ्ट मिला, 55,000। तो ये 1 लाख से कम मिलेगा तो माफ है, और 1 लाख से ज्यादा रहेगा ना तो टैक्सेबल है। तो गिफ्ट 1 लाख से कम है, भाई बहन फादर मदर 1 लाख से कम है तो वो एग्जाम रहेगा, उस पर टैक्सेबल नहीं है, वो टैक्स नहीं है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे उसको, इग्नोर।
फिर डिविडेंड मिला, खासा डिविडेंड मिला इंडियन कंपनी, वेदर इट इज डिविडेंड और इंटरेस्ट इट इज टैक्सेबल। ओके, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वो भी टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये सब टैक्सेबल है। टैक्सेबल मतलब अमाउंट आएगा, तो डिविडेंड कितना मिला बंटी को 15,000, डिविडेंड पे टैक्स देना है इसलिए जोड़ दिया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट किया कंपनी में पैसे उसको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल अमाउंट है। फिर डिबेंचर, जो कंपनी को उन लोगों ने लोन दिया है उसमें उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी टैक्सेबल अमाउंट है। ओके, तो पांच इनकम था अदर सोर्स में, उसमें से एक एग्जम्प्ट था, क्या था, एक एग्जम्प्ट था जिसपे टैक्स नहीं था, बाकी सब टैक्सेबल था। तो इसको जोड़ देंगे तुमको अदर सोर्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, अदर सोर्स। तो अपने इसका टोटल पूछा जाएगा अपना अमाउंट कितना ये, हाँ तो इसका टोटल अपने को जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला मैंने टोटल गलत कर दिया बच्चों, ओके ये टोटल गलत कर दिया, मेरे को टोटल करना पड़ेगा, जोड़ दो 30, 40, 40 पे 10 है, 40, 50 ओके 50 65,000 है, ये टोटल अपने गलत किया, कैलसी लेना पड़ा, कैलसी भी नहीं है अपने पास, तो फटक से निकाल दो, एक सेकेंड बच्चे को थोड़ा फटक से ले लो, कैलसी नहीं है बंटी लोग चला जा, ये तो 10 लाख ऐसे हो गया मेरे पास है ना, 10 लाख और ये 26,000, 10 लाख 26, इस पर क्या ऐड किया मैंने, 18,000 ऐड किया, 18,000 ऐड करूँगा। ओके एक सेकेंड बच्चे को कर रहा हूँ टोटल, करो ये 50,000 उसको ये मिला, फिर उसके बाद ये ऐड करूँगा 12,000, ओके ये आएगा 11,06,000, कितना आएगा 11,06,000, उसमें से दोनों क्या करूँगा माइनस करूँगा, ठीक है माइनस कर दूंगा 52,500, कितना आएगा 52,500, उनको मिलेगा 10,53,500, 10,53,500, ये क्या हो जाएगा अपना इनकम फ्रॉम सैलरी और ये अदर सोर्स। अब ये दोनों को ऐड करूँगा ना, मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा, क्या मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम, तो 10,53,500 प्लस 65 है ना, 65 ना 10, 40, 50, 60, 65, तो ये हो गया 11,18,500, ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, क्या हो गया टोटल इनकम। फिर डिडक्शन आएगा, तो डिडक्शन में क्या दिया, दो डिडक्शन दिया, एक तो हैंडीकैप बोला है और एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बोला 28,000। तो सुनो, तो डिडक्शन कैसे लिखेगा, अंडर सेक्शन 80 डाल देगा, अंडर सेक्शन 80 डाल देगा, मेडिकल इंश्योरेंस अंडर सेक्शन डी में आएगा, 80D में आएगा, तो इधर लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस, ओके अच्छी स्पेलिंग में लिख देना, 28,000 दिया है, तो 80 अंडर सेक्शन 80D में उसका लिमिट है 25,000, मतलब 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है तो 25,000 रहेगा, 28,000 दिया है पर लिमिट कितना है 25,000, अगर 18 दिया तो 18 लिखो, 12 दिया तो 12 लिखो, पर 28 दिया तो 25 लास्ट, ओके तो ये याद करने का था। फिर इधर बोला अंडर सेक्शन 80U, देखो ना इधर हैंडीकैप बोला है ना, फिजिकल क्या है वो डिसेबल है, डिसेबल होता है हैंडीकैप, तो हैंडीकैप का रूल क्या है, अगर 40 से 80% के बीच में है तो 75,000 डिडक्शन में आएगा, और 80% से ज़्यादा हैंडीकैप है तो 1,25,000 माफ आएगा, तो उसका रेंज इसके बीच में राइट 80U में आएगा, क्या लिखेंगे हैंडीकैप। ओके ये कौन हैंडीकैप है, SSC जो बंदा सैलरी मिल कमा रहा है वही हैंडीकैप है, तो कितना हैंडीकैप है 75,000। ओके अभी दोनों का ऐड कर लेंगे 1,00,000 होगा, तो 1,00,000 क्या होगा तुम्हारा डिडक्शन होगा, डिडक्शन बोलो तो कम कर देगा, तो 11,18,000 से 1,00,000 कम कर देगा। ओके तो कितना बचेगा 10,18,500, तो बंदे को इस पर टैक्स देना पड़ेगा, कितने पे देना पड़ेगा 10,18,500। तो इस तरह तुमको इनकम फ्रॉम सैलरी का सम आएगा, ठीक है। तो ट्यूशन में थोड़ा काम चल रहा था, तो ये AC भी इधर ही है, AC भी रिपेयर में है, बच्चे लोग नहीं है, इधर बोर्ड है और एक बोर्ड है, ये अपना सेटअप इधर रखा है, बुक पे भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ये अपना ट्यूशन है, इधर ऐसा सेटअप करके रखा था, ठीक है चलो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ाई पे ध्यान देना, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।